हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ धनंजय। आप सबके लिए वीडियोस में आज से दो दिन पहले डालने वाला था, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ इशू थी, इसके कारण मैं वीडियोस अपडेट नहीं कर पाया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की सॉरी फॉर दिस कि आपको मैंने वेट कराया, लेकिन अब वेट नहीं कराएंगे हम आपको भी। अब वीडियोज मेरा अपडेट होते रहेंगे। एक्चुअली हेल्थ इशू है, आप सब जानते भी हैं। क्लासेस में भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा मेरे को आज रिलैक्स मिला है, तो मैं आज वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। और आज मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं चैप्टर वाइज ही चलूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जो मैंने क्लासेस में आपको दो होमवर्क दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स के, तो उन्हीं होमवर्क्स के क्वेश्चंस को ना आज हम कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है और काफी अच्छे लेवल का बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं आपको, बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स को तो छोड़ी दो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस को कहते हैं कि इसमें लॉजिक नहीं लगता, इसमें रेशियो की टेक्निक नहीं लग सकती। मैं कहता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, हर एक क्वेश्चन को रेशियो से ही करूंगा और करते भी आ रहा हूं। और मैं आपको सबसे पहले बोल दूं कि सारा का सारा जो कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ स्टेटमेंट का गेम है। अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सिर्फ स्टेटमेंट का गेम होता है। अगर भाषा पे अच्छी पकड़ हो गई कंसेप्ट के साथ, तो फिर भैया क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा होता है, ठीक है ना। और मैं हूँ, मेरे साथ बने रहो, भरोसा रखो, बहुत अच्छे लेवल पे ले चलेंगे आप सबको। तो आओ, ये जो होमवर्क है ना, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं चैप्टर प्रॉपर वे में दूंगा आपको, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए बस वो जो दो डाउट मैंने क्लास में करे थे आपके साथ, वो डाउट का सोल्यूशन मैं आपको शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देते हैं, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करता हूँ रेशियो के अप्रोच पर, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं रेशियो के टेक्निक को पकड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मुझे टैकल करना हो, तो बोल रहा है कि अ मैन सोल्ड अ टीवी एट 25% प्रॉफिट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति है जो एक टीवी को 25% के प्रॉफिट में सेल करता है। तो 25% के प्रॉफिट में सेल करता है मतलब, हम जानते हैं 25% मतलब होता है 1/4, यानी अगर हमारा सीपी 4 था तो 1 का प्रॉफिट तो सेलिंग कितना था, 5। फिर कह रहा है कि इफ ही सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, मतलब अगर वह इस सेलिंग प्राइस पर 25% का लाभ ले ली, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 5 है। अब सेलिंग प्राइस पर 25% लाभ ले, 25% लाभ तो ले रहा है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस 25% लाभ तो ले रहा है, 25% 1/4, लेकिन विद सेलिंग प्राइस मतलब, ध्यान दो मेरे भाई, ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस अगर हमारा 4 है तो कितना प्रॉफिट हो गया, 1, तो कितने बेच दिया भैया, 5, ठीक है। तो लेकिन ध्यान दीजिए, दोनों कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बराबर। तो सेलिंग प्राइस को आप बराबर कर दें, तो सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे तो यहाँ पे कर दें 4, यहाँ कर दें 5, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 ताकि रेशो गड़बड़ ना हो, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 ताकि रेशो गड़बड़ ना हो। तो हमारा ओरिजिनल सीपी आ गया 16, फिर यहाँ हो गया हमारा कितना भाई 20, हमारा कितना हो गया भाई 25, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि देन, ऐसा करने से देन ही गेन 5% प्लस 100 रुपीज मोर ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 16 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचा, अगर वो 20 रुपए में ना बेच के इस सेलिंग के रेस्पेक्ट में वो अगर इतना में बेचे, तो जो इसके रेस्पेक्ट में अब जो बेचा उस पर जो लाभ मिला, वो कह रहा है कि वो 5% सीपी के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड 100 रुपीज और मोर गेन किया। तो देख भाई, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 4, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 5, तो इतने में ना बेच के अगर इतना लाभ लेके बेचा तो कितना अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का। ये जो 1 यूनिट का रेशियो का अंतर आया, ये 1 यूनिट रेशियो का जो अंतर है वो बराबर किसके है, सीपी के 5% देन ही गेन 5% प्लस 100 रुपीज मोर ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 16 है, 16 का 5%, तो 16 का 5% निकालना है, तो 16 का 5% 1/20 प्लस 100 रुपीज मोर, यानी ये जो इतने में ना बेच के सेलिंग के रेस्पेक्ट में इतना प्रॉफिट ले, 25% प्रॉफिट ले, तो उसे जो अब मिला फायदा, मतलब अभी जो 25% प्रॉफिट लिया था, फिर सेलिंग पे जो 25% प्रॉफिट लिया, तो जो अब उसे फायदा मिला
रिजल्टेंट वो इसके तुलना में कितना फायदा मिला यहाँ पे ज्यादा, 1 रुपया। तो ये जो फायदा मिला ना वो सीपी का 5% प्लस 100 रुपीज मोर है, तो सीपी का 5% प्लस 100 रुपीज मोर है, तो सीपी माना 16 था, 16 का 5% ये बटा 20 प्लस 16, तो 1:1 इज इक्वल टू, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आएगा भाई 4:5 प्लस 100, 4:5 प्लस 100, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी, एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो जाएगा आपका इधर हो जाएगा आपका 5:4:500, तो 1:5 हो जाएगा 500, तो 1:5 की वैल्यू 5 गुने पे, मतलब नंबर 5 गुने पे सेट हो रहा है, तो जब नंबर 5 गुने पे सेट हो रहा है तो हमने आपसे सीपी पूछा था, तो ये हमारा सीपी है, सीपी को भी आप ले जाए 500 गुने पे, जो कि 500 गुने पे सेट हो रहा है, तो सीपी हमारा हो जाएगा 8000। दिस राइट आंसर, तो हमारा आंसर हो गया 8000 रुपीज। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि 1 TB को 25% प्रॉफिट पे सेल किया गया, मतलब 4 के बदले वो 5 में सेल किया, कह रहा है कि यदि वह सेलिंग प्राइस पर 25% प्रॉफिट ले, तो सेलिंग प्राइस आपका जो भी होगा 25% प्रॉफिट ले, तो 25% मतलब 1/4 सेलिंग प्राइस पर है, मतलब अगर सेलिंग 4 है तो 1 प्रॉफिट है, सेलिंग 4 है तो 1 प्रॉफिट है, लेकिन सेलिंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो सेलिंग यहाँ 5 यहाँ 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का ऊपर 5 का नीचे, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 4, इधर हो गया 16, इधर हो गया 20, इधर हो गया 25। वह 25% प्रॉफिट सीपी पे ना ले करके अगर इस एसपी पे 25% प्रॉफिट ले, तो अब उनको कितना ऐसा ना करके ऐसा करे तो कितना यूनिट फायदा आया, 4 के बदले 5, मतलब 1 यूनिट का लाभ आया, यह 1 यूनिट का जो लाभ है ना वह लाभ सीपी के 5% प्लस 100 रुपीज के बराबर है, तो ये जो 1:1 का लाभ मिला वो सीपी का 5% मतलब 1/20, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, पर आप जानते हो मैं क्लास में कैसे शॉर्टकट करता हूँ, थोड़ा मेरे को समझो, आप अभी मेरे सामने नहीं हो इसलिए मैं इन चीजों को लिख दे रहा हूँ, वैसे आराम से मैं 16 का 5% निकाल सकता था, तो 16 का 5% निकाल लीजिए, तो 5% यहाँ निकाल लिए, 16 का 5% 1/20 प्लस 100 रुपीज मोर, तो बाबू इसको कैलकुलेट कर लिया, 4:5 प्लस 100, इसको उधर कैलकुलेट किया तो 5 R 500, तो 1:5 की वैल्यू आ गई 500, मतलब 1:5 गुना पे सेट है, तो हर वैल्यू गुने पे जाएगी, तो आपसे सीपी पूछा, सीपी था हमारा 16 का हम ले गए 500 गुना, आंसर कितना आया 8000 रुपीज, तो हमारा जो आंसर हो गया 8000 रुपीज। दिस इज अ फर्स्ट लॉजिक एंड दिस इज अ रेशियो अप्रोच, फर्स्ट लॉजिक हमारा रेशियो अप्रोच था, हमारा पहला लॉजिक था, ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है, आप या तो इसे ऐसे करें या और कैसे कर सकते हैं, ध्यान दें मैं इसे रफ कर रहा हूं, ध्यान दें, या तो आप इसको ऐसे कर सकते थे या आप कैसे करेंगे इसको, ध्यान दें बेटा भाई, अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो अब मैं इसे कैसे कर सकता हूं, और ध्यान दीजिएगा इसे मैं अब कैसे कर दूं, लॉजिक सेकंड क्या हो सकता है, जब भी आप देखो ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने थोड़ा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को भी ध्यान दें आप, अगर आप रख सकते हैं ध्यान मेरी बात, तो वरना तो रेशियो के अप्रोच आपको पता ही है, रेशियो को बता ही दिया, अगर आप ध्यान रख सकें तो किसी भी वस्तु को 25% प्रॉफिट पे लिया सेलिंग प्राइस सीपी के रेस्पेक्ट में, फिर उसको उसी को फिर एसपी पे प्रॉफिट लिया, तो जो लाभ मिला वो सीपी का 5% प्लस 100 रुपया अधिक, ध्यान दें किसी वस्तु को कुछ परसेंट लाभ पर बेचे, जो उसका सेलिंग है उस पर कुछ परसेंट और लाभ पर बेचे, तो जो उनको रिजल्टेड फायदा मिले वो फायदा सीपी के 5% प्लस 100 के बराबर, अगर ऐसा स्टेटमेंट स्टेप बाय चले तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25% प्रॉफिट ऑफ, जो प्रॉफिट आया उस पर 25% प्रॉफिट ऑफ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, हमने मान लिया एम इज इक्वल टू किसके बराबर है, सीपी का 5%, तो सीपी 5% और प्लस 100 एक्स्ट्रा, तो 100 एक्स्ट्रा डायरेक्ट ही हमने इक्वेशन लिख दिया है, तो इसको कैलकुलेट करो मेरे भाई, तो 6.25% ऑफ एम इज इक्वल टू 5% सॉरी सीपी का 5% प्लस 100,
तो कैलकुलेट करो, इसे इधर ले आओगे तो माइनस होकर के 1.25% ऑफ m, 1.25% ऑफ m इज इक्वल टू 100। कैलकुलेट कर लो m की वैल्यू कितनी आएगी, 8000 रुपीज। दिस इज सेकंड अप्रोच। डायरेक्ट इक्वेशन लेना कब, जब किसी वस्तु को कुछ परसेंट प्रॉफिट बेचने के बाद उसके सेलिंग पर फिर प्रॉफिट ले तो जो लाभ मिले वो उसके सीपी का 5% प्लस कुछ रुपए अधिक। तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखना सीख लो, डायरेक्ट लिखो आराम से आंसर, और थोड़ा इसको जमानी कर ले हम लोग। 25% ऑफ 25% ऑफ सीपी तो 625, तो 6.25% ऑफ एम इज इक्वल टू 5% ऑफ सीपी प्लस 100। 6.25 में से जैसे 5 निकालोगे 1.25% आ जाएगा, 1.25% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100, तो एम इज कितना हो जाएगा आपका 8000 रुपीज। ठीक है ना, तो एक आपका ये स्मार्ट सा अप्रोच था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके मेंस में हुआ। ऐसे क्वेश्चन प्री में नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिलेंगे तो मेंस में मिलेंगे। तो आपको मैंने रेशियो के अप्रोच से बताया, और इधर मैंने एक जनरल बेसिक अप्रोच और भी लिया, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे वीडियोस अपडेट हम हमेशा करेंगे आपको, वो मैंने एक होमवर्क दिया था क्लास में, मैं वहां नहीं कर पाया था, और आप सबको वीडियो मेरे को देना भी था, थोड़े हेल्थ इशू के कारण मैं नहीं दे पा रहा था। मैंने पहले ही बोला आई एम रियली रियली सॉरी मेरे भाई, क्योंकि आप बहुत वेट कर रहे हो, लेकिन आगे चल के मैं धीरे धीरे मैं कंटिन्यू, थोड़ा हेल्थ इशू सही हो जाए मेरा, तो मैं कंटिन्यू वीडियोज भी डालूंगा, बहुत अच्छे वीडियो डालूंगा। ये तो मैंने मैं क्लास का एक होमवर्क करा दिया आपको, ठीक है, अभी एक होमवर्क और कराऊंगा आपको, बने रहिए आप मेरे साथ इसी तरीके से। अभी एक लेक्चर में मे बी हो सके अभी लेक्चर में और भी लूं। और हाँ, ठीक है, आपसे बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, आपसे बस यही उम्मीद है हमारी, आप इसे सब्सक्राइब करें बस। और आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ अपने कमेंट जरूर देना, कमेंट्स ऐसा ना हो, एक कमेंट आपको चाहिए मेरे को, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट मेरे को चाहिए। और आप इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, यही हमारी गुरुदक्षिणा है आपकी, आपसे, ठीक है ना। ओके, बस आज के लिए इतना ही कर दें, बाय।